अगेन वेलकम गाइस, आज हम फिर से लगाएंगे रिलेशन एंड फंक्शन की एक्सरसाइज 1.1 के नेक्स्ट क्वेश्चन। आज हम लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 4th और 5th। इससे पहले फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं। अगर आप हमारे फर्स्ट व्यूअर हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और प्रैक्टिस करिए। आपको अगर पूरी कंप्लीट एनसीईआरटी लगानी है तो आप एनसीईआरटी के फोल्डर में जाएं, वहां पर आपको वन बाई वन सारे चैप्टर के आपको सोल्यूशन प्रोवाइड किए जाएंगे और वहाँ से आप बोर्ड एग्जाम 2025 की आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि शो दैट द रिलेशन आर इन आर, यहाँ पे अब कैपिटल आर जो है वो बोल्ड लेटर में दे रखा है। एनसीईआरटी के अंदर बोल्ड लेटर का मतलब है कैपिटल आर का कि सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। ये मैं पिछले लेक्चर में भी बता चुका हूँ। अच्छा, पहले क्वेश्चन का वीडियो अलग बनाया है, सेकंड और थर्ड का एक साथ बनाया है, अभी फोर्थ और फिफ्थ का एक साथ बनेगा, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। और रिलेशन तुम्हें इस तरह डिफाइन है कि ए कॉमा बी सच दैट ए लेस देन इक्वल टू बी, ए लेस देन इक्वल टू बी, ये अपने को रिलेशन दे रखा है। आपको ये बताना है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव तो है ना, और ट्रांजिटिव भी है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। लेकिन क्या नहीं है? सिमेट्रिक नहीं है। आप किन किन बातों पर ये है और कौन कौन से नंबर पर नहीं है, बस यही अपने को आंसर लिखना है इसके अंदर। अब देखिए रिफ्लेक्सिव क्यों है, अब ज़रा सोचिए कंडीशन क्या है। ये ए जो है वो भी रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है और बी जो है वो भी रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो इसके अंदर ए अगर बी के बराबर है तब भी रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, और ए अगर छोटा है तब भी क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है। तो दोनों बातों को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ये है कि ए छोटा है तब भी सेटिस्फाई है, ए बराबर है बी के तब भी क्या है? सेटिस्फाई है। इसको कंबाइन करके लिख दिया गया है। इज दैट क्लियर? अरे सर अभी तो पता ही नहीं था, ये बहुत मजे की बात बताई है आपने। कोई बात नहीं। देखिए अब रिफ्लेक्स का मतलब है कि जो भी आपको सेट दे रखा है उसके सारे नंबर के डबलेट होना चाहिए। तो आप कोई सा भी नंबर उठा के देख लो, जैसे 2 ले लो तो 2, 2 लोगे तो 2 बराबर होता है 2 के, तो सेटिस्फाई कर रहा है ना। तो हर नंबर खुद के क्या हो सकता है? एवरी नंबर कैन बी इक्वल टू इटसेल्फ, हो सकता है? नहीं हो सकता है। अब आप बोलेंगे सर लेस देन कहाँ गया? अरे भाई अगर वो कंडीशन लगने की होगी तो लगाई जाएगी, अभी वो नहीं लग रही तो क्यों लगाएंगे? हमें तो इक्वल टू वाली चाहिए ना, पहले तो इक्वल टू वाली लग रही है तो सेटिस्फाई कर रही है। रिलेशन को समझने की कोशिश करिए, है ना। अगर ए बराबर है बी के तब भी रिलेशन सेटिस्फाई है, और लेस देन है ए तब भी सेटिस्फाई है। तो यहाँ जनरल फॉर्म लिख देंगे। मैंने बताया था जब भी कोई रिलेशन पर्टिकुलर होता है तो उसका जनरल फॉर्म लिखा करें। तो क्या लिखेंगे? लेट A belongs to R such that A comma A implies that A equal to A. A किसके बराबर है? A के बराबर है। So therefore A comma A belongs to R for all the values of A, A belongs to capital R, bold R, है ना, कि सारे A के लिए ये कंडीशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। अब यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि लेस देन इक्वल टू, ये भी लिख सकते हैं। तो उसमें से एक काउंट करा जाएगा, कौन सा वाला? इक्वल टू वाला। तो या इक्वल टू लिख दें या लेस देन इक्वल टू लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। चलिए अब मैं सिमेट्रिक का एग्जांपल लेता हूँ, ट्रांजिटिव इसके बाद देखें। सिमेट्रिक नहीं है तो तुम्हें वो एग्जांपल लेना है कि उसका इनवर्स इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, क्लियर। तो चलो मैं कोई एग्जांपल लेता हूँ कि लेट 2, 4 बिलोंग्स टू आर विच इम्प्लाइज दैट 2 लेस देन इक्वल टू 4। तो देखें 2 ना तो 4 के बराबर है और ना 4 से बड़ा है, तो ये 4 से छोटा है तो सेटिस्फाई कर रहा है। तो अगर मैं उल्टा लिख दूँ इसको 4 और इधर क्या लिख दूँ 2, है ना, तो 4 क्या हो जाएगा? ग्रेटर हो जाएगा, और जबकि क्या होना चाहिए था? छोटा होना चाहिए था। तो इसका मतलब क्या है कि 4, 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो देयरफॉर इट इज़ नॉट सिमेट्रिक। क्या नहीं होगा? ये सिमेट्रिक नहीं होगा। जनरल फॉर्म लिख दीजिए कि लेट ए और बी बिलोंग कर रहे हैं किससे? आर से, रियल नंबर से, सच दैट सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज दैट ए लेस देन इक्वल टू बी, है ना। और अगर मैं बी लिखूंगा तो बी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, विच इम्प्लाइज दैट बी कॉमा ए डज नॉट सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ रिलेशन, है ना, क्योंकि इसमें लेस देन इक्वल टू है ना, और ये क्या आ रहा है? ग्रेटर देन इक्वल टू आ रहा है। सो फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ ए बी बिलोंग्स टू आर, कैपिटल आर वाला, बोल्ड आर वाला, ठीक है। तो इससे ये पता चल गया कि ये सिमेट्रिक नहीं है। अब बात आती है किसकी?
ट्रांजिटिव की देखिए, ट्रांजिटिव के केस में देखिए, ट्रांजिटिव तो है ना, ये तो है, तो जनरल फॉर्म लिखेंगे। पहले मैं समझा देता हूँ कैसे। जैसे मान लो टू थ्री ले लें आप, है ना, टू थ्री किससे बिलोंग कर रहा है, आर से, विच इम्प्लाइज दैट टू लेस देन इक्वल टू थ्री। एंड थ्री फोर ले लें, ये भी बिलोंग कर रहा है आर से, तो इसका मतलब क्या है कि थ्री लेस देन इक्वल टू फोर। तो देखिए टू थ्री से छोटा है और थ्री फोर से छोटा है, तो टू फोर से छोटा होगा नहीं होगा, तो टू लेस देन इक्वल टू फोर। तो इसका मतलब क्या है कि टू कॉमा फोर बिलोंग्स टू आर, सो देयरफॉर इट इज ट्रांजिटिव। क्लियर। जाहिर सी बात है कि एक नंबर अगर दूसरे से छोटा है, दूसरा तीसरे से छोटा है, तो पहला तीसरे से छोटा होगा नहीं होगा, ट्रांजिटिविटी लग रही है इसके अंदर। तो इन जर्नल लिखना है, तो लेट ए बी सी बिलोंग्स टू आर सच दैट, सच दैट, यहाँ लिख देता हूँ मैं, सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज दैट ए लेस देन इक्वल टू बी, एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज दैट बी लेस देन इक्वल टू सी, और इम्प्लाइज दैट ए लेस देन इक्वल टू सी, क्योंकि ए बी से छोटा है, बी सी से छोटा है, तो ए छोटा होगा किससे, सी से। इम्प्लाइज दैट ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल दी वैल्यूज ऑफ ए बी सी बिलोंग्स टू बोल्ड आर, है ना। लिखिए, देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन था, आगे बढ़े। चलिए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखते हैं। देखिए फिफ्थ के अंदर क्या दे रखा है हमें। देखिए इस चैप्टर का वेटेज 5 से 6 नंबर का है, तो आप इसे इग्नोर नहीं करेंगे, आप इसकी प्रैक्टिस करिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, ये बढ़िया है, ये एग्ज़ाम में आ सकता है कि आपको जो आर दे रखा है ना सेट, वो क्या है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स दे रखा है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, और रिलेशन किस तरह हैं, रिलेशन ए कॉमा बी सच दैट ए लेस देन इक्वल टू बी क्यूब। क्या बात है, है ना। इससे पहले लेस देन इक्वल टू बी था, और उससे पहले क्वेश्चन था लेस देन इक्वल ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर था, यहाँ क्या है, क्यूब है। तो आपको बताना है, चेक करना है कि ये बताइए रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो ये तीनों नहीं होंगे। सबसे पहले देखो हम रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं, है ना। तो इस कंडीशन मैंने आपको बताया था कि आप फ्रैक्शन वाले नंबर ले लीजिए, कि लेट 1/2, 1/2 इम्प्लाइज दैट ए लेस देन इक्वल टू बी क्यूब। तो 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/2 का क्यूब, तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/8। क्लियर। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर 1/2 छोटा नहीं होगा, क्या होगा, ग्रेटर देन होगा, किससे, 1/8 से। तो इसका मतलब क्या इम्प्लाइज कर रहा है, विच इम्प्लाइज दैट 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, किससे बिलोंग नहीं करेगा, रिलेशन से बिलोंग नहीं करेगा। तो जितने भी फ्रैक्शन वाले डबलेट हैं वो नहीं करेंगे, आपको एक डबलेट नहीं करना चाहिए, हम उसी से पता चल जाता है कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्लियर। तो अब अगर ये क्वेश्चन लेंथी जाएगा तो जनरल फॉर्म लिखने की ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्ट ये रीज़न लिख सकते हैं। वैसे तो मेनली जनरल फॉर्म तब लिखा जाता है जब रिफ्लेक्सिव है, जब मालूम है कि ये रिफ्लेक्सिव है, तो जनरल फॉर्म लिख दीजिए सारे नंबर्स के लिए। अब ये जिस नंबर के लिए रिफ्लेक्सिव नहीं है वो रीज़न दे दीजिए, ज़रूरत नहीं है आपको जनरल फॉर्म लिखने की, है ना। चलिए सिमेट्रिक की बात करते हैं। सिमेट्रिक का कॉन्सेप्ट तो पता ही है कि इसका इन्वर्स होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इन्वर्स। तो देखते हैं, पहले आप कोई नंबर ले लीजिए कि लेट 1/2 बिलोंग्स टू आर, ये क्या इम्प्लाइज करेगा कि 1 लेस देन इक्वल टू 2 का क्यूब, इम्प्लाइज दैट 1 लेस देन इक्वल टू 8। हाँ, तो 1 छोटा होता है किससे, 8 से, और जब मैं इसको उल्टा करके लिखूंगा तो 8 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब 2 का क्यूब ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1, और जबकि ये क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, तो 2, 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, विच इम्प्लाइज दैट 2, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, 2, 1 इससे बिलोंग नहीं करेगा। क्लियर। देयरफॉर 1, 2 तो बिलोंग कर रहा है आर से, विच इम्प्लाइज दैट 2, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, क्योंकि देखो ये सेटिस्फाई कर रहा है कि 1 छोटा होता है 8 से, लेकिन ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है क्योंकि 8 बड़ा होता है किससे, 1 से, लेकिन रिलेशन में दिया है कि छोटा होना चाहिए, राइट। चलिए अब आती है बात ट्रांजिटिव की। अब देखिए इसके अंदर इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, मैं करा रहा हूँ तो आपको बहुत ईजी लग रहा है, लेकिन जब आप खुद से करने बैठेंगे ना इसे, तो आपको एग्ज़ाम्पल लेने में बहुत प्रॉब्लम होगी कि ऐसा मैं क्या एग्ज़ाम्पल लूँ कि ये ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए, आ रही बात समझ में। अब देखिए इसमें बड़ा मसला आता है, तो इसके अंदर मैं मान लेता हूँ कि लेट
3.1.5 किससे बिलोंग कर रहा है, आर से, तो इसका मतलब 3 लेस देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1.5 का क्यूब। तो पहले चेक करो कि सेटिस्फाई कर भी रहा है नहीं 1.5 का क्यूब, वीडियो पॉज करके बताओ कितना आएगा। 1.5 का 3 बार मल्टीप्लाई करिए तो ये आएगा आपका 3.3775, चेक करके बताइए यही आ रहा है, 3.375 चेक करके बताइए क्या यही आ रहा है, यही आना चाहिए क्योंकि 3 क्या आ रहा है यहाँ पर, छोटा आ रहा है इससे, क्लियर। तो अगला नंबर जो हम लेंगे एंड 1.5 से लेंगे, कैसे लेंगे 1.5, लेकिन अगला जब इसके साथ जो नंबर लेंगे वो इससे छोटा होना चाहिए तभी मजा आएगा, अदरवाइज ये नहीं बनेगा, ये क्लियर। अब चेक करते हैं क्या ये सेटिस्फाई, यहाँ पे लिखेंगे ट्रू, क्या है ये ट्रू। एक तो नंबर लेना इसमें मुश्किल है कि जो पहले से ही सेटिस्फाई करते हो, फिर उसके बाद ये कंडीशन भी सेटिस्फाई करनी है कि 3 और 1.2 सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो देखते हैं उसके ऊपर, देखें तो ये कितना हो गया 1.5 लेस देन इक्वल टू 1.2 का क्यूब, तो ये हो गया 1.5 लेस देन इक्वल टू 1.2 का 3 बार मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा 1.728, है ना 1.728, ये 1.5 है ये 1.7, हाँ तो ये छोटा आ रहा है इससे। नाउ 3.1.2 ये बिलोंग नहीं करेगा इससे, क्यों नहीं करेगा देखिए, विच इम्प्लाइज दैट 3 लेस देन इक्वल टू 1.2 का क्यूब, तो ये हो गया 3 लेस देन इक्वल टू 1.728, और 3 क्या होता है बड़ा होता है, इम्प्लाइज दैट 3 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.728, क्लियर। फॉल्स क्या लिखेंगे यहाँ पर, ये फॉल्स हो गया, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। जब फॉल्स क्यों लिखोगे, जब ये लिख दिया है तो ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि 3 लेस देन होना चाहिए था, यहाँ पे 3 क्या आ रहा है, ग्रेटर देन आ रहा है, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है, तो ना ही ये रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, और ना ही ट्रांजिटिव है, इज दैट क्लियर। अब आपका होमवर्क क्या है, आपका होमवर्क ये है कि ये जो मैंने एग्जांपल लिए हैं इसके अलावा आप कम से कम 2-2 एग्जांपल और अपने आप से प्रैक्टिस करें, तब आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही आसान लगेगा, अदरवाइज़ आप फिर से वही घूम जाएंगे, कॉन्सेप्ट तो क्लियर रहेगा लेकिन नंबर लेने में आपको बड़ा दिक्कत आएगी इसके अंदर। तो बने रहें चैनल के साथ, सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।